Good evening, students. Today we are going to see a new lesson, India Gate, lesson seven, class two, New gunjan book. Today we'll do the reading of this lesson. In the next video, we'll see the line by line explanation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. And I'll reply back. If you like the video or the video is useful for you, please don't forget to click the like button. सब्सक्रिप्शन एंड और लाइक विल मोटिवेट मी टू ऐड मोर वीडियोस फॉर यू नाउ लेट्स रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी ताऊजी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे हवाई अड्डे से घर तक कार से गए रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला देखो दीदी यहाँ भी गेट वे ऑफ इंडिया है मिनी दी ने बताया मानव इसका नाम इंडिया गेट है देखने में जरूर गेट वे ऑफ इंडिया की तरह लगता है मानसी बोली तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं मिनी दी ने समझाया तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुँच गूगल सर्च करके दूंगी अभी तो इतना और जान लो कि ऐसे एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्राइम्स कहते हैं घर पर दादाजी दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया ताई जी बच्चों की मनपसंद चीज पाव बनाई थी सबने मज़े से खाई दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में डुबक कर बैठ गए मानसी बोली मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना इंडिया गेट के बारे में बताइए मिनी दादाजी की तरफ़ देखकर बोली हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही हैं सब हंसने लगे दादाजी बताने लगे पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था मानसी को कुछ याद आया वह बोली दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहां आग क्यों जल रही थी दादाजी ने बताया शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं इतने में ताऊ जी भी आ गए वह बोले अब सो जाओ कल बड़े दिन की छुट्टी है हम सब पिकनिक पर चलेंगे शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है पवारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है यहाँ से राष्ट्रपति भवन संसद भवन राष्ट्र संग्रहालय तक का नजारा देखा जा सकता है हम वही सब देखने चलेंगे बच्चे एक साथ बोले अरे वाह बहुत मजा आएगा सो रीड द लेसन वन और टू टाइम्स इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द एक्सप्लेनेशन थैंक यू स्टूडेंट्स